स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे एक बार और नई वीडियो के साथ। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा काम चल रहे थे, अभी उन कामों से जरा था बाहर आ गए हैं। और अब हम करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत बड़ी रिसर्च, बहुत सारे आपको वीडियोस देने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए। दोस्तों अभी सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं कि व्हाई 95% पीपल जो हैं वो फेल हो जाते हैं, लोग फेल हो जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, और उनके क्या 5 रीजन है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखने दे रहिएगा। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस आइडियाज बाय मंजीत सिंह। सो दोस्तों अभी बात करते हैं कि क्यों ऐसा, कौन से 5 रीजन हैं जिनकी वजह से जो है एफिलिएट मार्केटिंग में करीब 95% जो है वो लोग फेल हो जाते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करूं तो यहां पे डोंट हैव इनफ पेशेंस। अब यहां पे लोगों के पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग ये एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एकदम से ओवर दी मिराकल जो नहीं हो सकता, ओवरनाइट अगर सोचो कि कोई मैजिक हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। यहां पे जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे, उस पे पेशेंस नहीं रखोगे और काम करना, एक दो महीने काम करा रिजल्ट नहीं मिले या कुछ रिजल्ट मिले उतने से आपका कुछ नहीं होगा, ये सोचकर अगर हम बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने वाला। ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर जब हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें या फिर हमारी कोई वेबसाइट्स को प्रमोट करने की बात करें तो यहाँ पे पेशेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो है वी डू नॉट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल कंटेंट। अब हम क्या सोचते हैं कि सीधा ये प्रोडक्ट हमने Amazon से उठाया, ये सीधा प्रोडक्ट हमने Flipkart से उठाया, ये सीधा प्रोडक्ट बाकी एफिलिएट मार्केटिंग से उठाया और सीधा जो है हमने हमारे WhatsApp ग्रुप के जरिए प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया या अपने सोशल मीडिया के जरिए जो है उसको स्टार्ट कर दिया, वीडियो कंटेंट बना के डालना शुरू कर दिया। हम सोचते हैं कि बस यही एक जो है एफिलिएट मार्केटिंग है, बस इतने से प्रोसेस को हम एफिलिएट मार्केटिंग मान लेते हैं। मैं बिलीव भी, मैं खुद एक बहुत बड़ा जो है यही सोच रखता था, इतनी बड़ी सोच रखता था कि मैं भी आपके जैसे ही सोच रहा था कि यार सिर्फ प्रोडक्ट को वहां से उठाना और सोशल मीडिया पर डाल देने को जो है एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। लेकिन पिछले एक साल से जो है मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं और काम करने के बाद जो चीजें समझ में आई हैं, जो प्रैक्टिकली चीजें जो सामने आई हैं वो ये है कि हमसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है। तो यहां पे प्रोडक्ट खरीदने की अगर बात करी जाए तो यहां पे हमें वो चीजें देनी है जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक ले लेते हैं कि अगर कोई ये शूज का व्हाइटनर अगर कोई ढूंढ रहा है तो अगर वो ढूंढ रहा है तो उसको सबसे बड़ा उसका टारगेट क्या है कि कम से कम प्राइस में जो है, ये एक सबकी मेंटेलिटी है कि कम से कम प्राइस के अंदर हमें जो है ज्यादा से अच्छी क्वालिटी जो है वो मिल जाए। तो अगर हम जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएं जो शूज को वाइट कर दे, चाहे वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट हो, तो ऐसे कुछ 4 या 5 प्रोडक्ट की लिस्ट बना दे, उसके रिव्यूज करें, उसको कंपेयर करके जो अगर हम दें तो वहां पर लोगों को जो है उस चीज की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आप उनको जो है पहले से कुछ काम करके दे रहे हो। तो यहां पे वैल्यू क्रिएट करना, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो है आपका जो कंटेंट है उसमें वैल्यू प्रोड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तीसरे की बात करूं तो यहां पे अनफोकस्ड ऑन वन थिंग। हम क्या होते हैं कि हम अनफोकस हो जाते हैं, बेसिकली यहां पे कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं मल्टीपल चीजों पे फोकस करने लग जाते हैं। आज एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करा तो हम क्या करते हैं, आज ये वॉच उठा के डाल दी, कल हमने कंप्यूटर डाल दिया, परसों कोई फैशन का डाल दिया, मेंस फैशन का कुछ प्रोडक्ट डाल दिया, फिर उसके बाद वुमेन फैशन का कुछ डाल दिया। तो यहां पे हम इतनी ज्यादा चीजों पे जो है पूरे जो है एक तो पहले दिन से ही फैला लेते हैं। अब यहां पे हमारी निश जो है वो मल्टीपल हो चुकी है। और दूसरी बात क्या करते हैं हम कि हम उसको जो है पर्टिकुलर किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ में जो है काम नहीं करते, हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले जाते हैं। पहले एक सोशल मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक ले लो, फेसबुक के ऊपर पहले सक्सेस हो लो, वहां पे आपका जो ऑडियंस है वो ग्रो कर लो, उसके बाद आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऊपर जाकर जो है उसको प्रमोशन करना स्टार्ट करो। तो यहां पे जब एक पे सक्सेस हो जाओगे, दूसरे पे सक्सेस होने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले दिन से ही मल्टीपल सोर्सेस पे चले जाते हैं और होता क्या है कि हमारा टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा
उन चीजों को सिर्फ इधर उधर पोस्ट करने में निकल जाता है और बाद में हम सोचते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा, हमें सिर्फ एक पे पहले फोकस करना है, वहां पे ऑडियंस बिल्ड करना है, वहां पे ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करना है, उसके बाद जो है हम किसी दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तभी जाकर हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। अगर चौथे की बात करो तो डोंट बिलीव इट विल हैपन, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज जो है ना ये हो ही नहीं सकती। ये चीज मैं भी सोचता था कि यार ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार्टिंग की अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो करीब 6 से 8 महीने तक मुझे भी कोई रिजल्ट नहीं मिले। एक आधी कोई सेल मिल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिली। लेकिन आज अगर मैं आपको बताऊं तो आज अगर मैं चीजों को फोकस करता हूं, मेरे पास जो नॉलेज अभी आ चुका है उसके नॉलेज को यूटिलाइज करता हूं और यूटिलाइज करने के बाद उसमें कन्वर्जन रेशियो दिखते हैं। हर रोज मेरे पास कुछ ना कुछ सेल होता रहता है। उसका रीजन है क्योंकि अब ऑडियंस वही है, प्रोडक्ट वही है, बस उसके ऊपर एक जो है सोशल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जो है वो करनी आ गई है। तो हमें और दूसरी चीज हमारे को मेरे को खुद पे बिलीव आ चुका है कि हाँ ये चीज चलती है, बिकती है ना। ये तब आएगा ट्रस्ट लेवल आपके अंदर, ये बिलीव आपके अंदर तब आएगा जब आप खुद राइट ट्रैक पे जाओ। हम क्या करते हैं, आधा अधूरा नॉलेज ले लेते हैं और उसके बाद सीधा एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो है एफिलिएट मार्केटिंग में हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये जो चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले तो बिलीव रखना है कि वाकई जो है अगर इतने लोग कर रहे हैं तो लोग कमा भी रहे हैं, कुछ लोग तो स्नैपशॉट भी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज काम कर रही है। अब पांचवे अगर पॉइंट की बात करूं तो पांचवा पॉइंट है डोंट अंडरस्टैंड दी हैसल। हम क्या करते हैं, जो डिफिकल्टीज है ना उनको नहीं समझते कि क्यों नहीं बिक्री हो रहा। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं उस पर ज्यादा ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा, उस पर लोग फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, हम उन हैसल्स पे उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो करते चले जा रहे हैं वो चीज करते चले जाते हैं और जो चीजें नहीं डिफिकल्टीज हैं वो हम नहीं करते। अगर एक रियल 9 to 6 की अगर जॉब की बात करें तो वहां पर भी अगर आप डेली अगर ऑफिस में जाकर वापस आ जाओ तो आई एम श्योर कि 1 या 1.5 महीने के अंदर आपका जॉब चला जाएगा। होगा क्या कि वहां पे आप वहां जाते हो ऑफिस में जाके जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे जो हमें टास्क दिया जाता है फिर वो चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो हम उसको कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें काम करना पड़ता है, हम अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाते ऑफिस के काम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है तो डेफिनेटली हमारा जो है वो काम आगे बढ़ जाता है और हमें जो है उसी चीज के पैसे मिलते हैं। तो यहां पर भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी जो है आपको अपने आप को बिलीव रखना पड़ेगा अपने आप में और जो डिफिकल्टीज हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप 100% सक्सेस हो सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग में। अदरवाइज आपकी भी काउंटिंग जो है 95% लोगों में आएगी जो फेल हो जाते हैं। तो अगर आप ये राइट ट्रैक क्या है और इसके ऊपर जो चल के आपको किस तरह से सक्सेस पानी है, अगर आप ये मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो या फिर आप इससे पूरा डिटेल में जो है स्टेप बाय स्टेप एफिलिएट मार्केटिंग को जानना चाहते हो इन डिटेल जो आज तक ऑनलाइन नहीं दिखाया जाता, उन डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो ताकि आप सक्सेस हो पाए एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो आप मेरा एक कोर्स जो है 24 जून से स्टार्ट होने जा रहा है तो आप वो कोर्स जो है वो कर सकते हैं। उसकी डिटेल जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे भी आपको फ्लैश हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और मुझे लिख के भेजना है कि एफिलिएट कोर्स डिटेल्स, तो मैं आपको वहां पे पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर 23 जून तक अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो बहुत ही बड़ा स्पेशल ऑफर चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर जो है आप ये कोर्स जो है कवर कर सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है और आपको मैं शुरू से यानी कि बिल्कुल स्क्रैप से लेके एडवांस लेवल तक जो है
पूरी डिटेल इन एंड आउट जो है वो बताऊंगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट लेके दूसरी जगह पे पोस्टिंग करने को एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो है रूल रेगुलेशन है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तब जाकर हमें सक्सेस मिलती है। और यही चीज जो है 95% लोग जो है मिस कर जाते हैं और आधा अधूरा ज्ञान लेके स्टार्ट कर देते हैं और फिर फेल होने के बाद सोचते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो काम नहीं करती है। सो आई एम श्योर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे, क्योंकि अभी इस चैनल के ऊपर बहुत सारे आपको एफिलिएट रिलेटेड जो है बहुत सारे फ्री वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको कोर्स करना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट उस पर कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड हैप्पी एफिलिएट मार्केटिंग।